मरने से पहले ही अमिताभ बच्चन ने बांट दी अपनी संपत्ति, दो टुकड़ों में बंट गया शहंशाह का घर। जलसा अमिताभ बच्चन की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने परिवार को मीडिया से दूर रखें। अमित जी किसी भी विवाद में पड़ने से बचते हैं, इसलिए वो किसी भी मुद्दे पर बोलने से बचते हैं। वो नहीं चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर बोलकर वो सुर्खियों में बने रहें। अमित जी अपने परिवार को लेकर भी बड़े सजग रहते हैं। हम आपको बता दें कि अमित जी को एक बेटा अभिषेक और एक बेटी श्वेता है, दोनों की ही शादी हो चुकी है। जहां अमित जी ने अपनी बेटी का रिश्ता कपूर खानदान से जोड़ा है, उन्होंने श्वेता की शादी निखिल नंदा से किया है। श्वेता के दो बच्चे हैं, एक बेटा अक्षत्या नंदा और बेटी नव्यान नंदा है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने विश्व सुंदरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से शादी की है। अभिषेक की एक बेटी आराध्या है, जिसके साथ अमिताभ बच्चन खूब तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन शेयर करते हैं। खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या राय और उनकी ननद श्वेता नंदा की आपस में नहीं बनती हैं। अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अभिषेक अपने पिता का घर छोड़कर अपने नए घर लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो आज भी अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ जलसा में ही रहते हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा और जलसा नाम के दो बंगले हैं। अमिताभ अपने पूरे परिवार के साथ जलसा में ही रहते हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था। अमिताभ बच्चन जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी के बीच बराबर का बंटवारा किया है। अमित जी ने अपने वसीयत में दोनों के बराबर हिस्से की बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरे प्रॉपर्टी में अभिषेक का हिस्सा है, ठीक उसी तरह मेरी बेटी श्वेता का भी हक है, इसलिए मेरे जायदाद में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। यदि बच्चन परिवार की बात करें तो पता चला है कि बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन परिवार की बेटी श्वेता नंदा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अर्थात दोनों के बीच किसी बात को लेकर थोड़ा अनबन हो गया है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रही है। इस बात का सबूत ये है कि हाल ही में फराह खान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में श्वेता नंदा, अभिषेक बच्चन और नव्या नजर आई, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन नजर नहीं आई। इसके अलावा विराट अनुष्का के शादी के रिसेप्शन पर भी दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखा गया था।